पाकिस्तान में चीन जैसा निजाम होना चाहिए, वजीर दाखिला शेख रशीद की ख्वाहिश का इजहार। कहते हैं निजाम ऐसा हो जहां करप्ट को जमानत नहीं फांसी मिले। नवाज शरीफ एंटी आर्मी, एंटी एस्टेब्लिशमेंट और एंटी इमरान खान हैं। इस एजेंडे पर वो इंतहा तक जाने को तैयार है। सियासत करनी है तो ये जबान तर्क करना होगी। कल नवाज शरीफ का पैगाम मिला, वो बहुत तकलीफ में है। जाली शनाख्ती कार्ड बनाने वालों को नादरा से निकालेंगे, पनाह लेने वाले अफगान फौजियों को बाइज्जत तरीके से वापस भिजवाने का भी ऐलान कर दिया। मेरी ख्वाहिश है कि चीन के निजाम की यहाँ काफी हो, यहाँ ये जमानत होने वाला निजाम ना हो, करप्ट और चोर को मौके पर ही सजाए मौत हो। नवाज शरीफ साहब ने का एक ही एजेंडा है, एंटी आर्मी, एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एंटी इमरान खान, और इस एजेंडे पे वो किसी इंतहा तक भी जाने को तैयार है। अगर वो मोदी के साथ पगड़ियां बदल सकते हैं, अगर जंदाल के साथ बदल सकते हैं, और अगर उनकी कोशिश होती है कि फैटफ में पाकिस्तान फंसा रहे, उन्होंने आखिरी जो कल पैगाम दिया कि वो बड़ी तकलीफ में है, तो हम इनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। अगर वो पाकिस्तान आना चाहें तो फिल फौर उनको चार्टर जहाज दिया जा सकता है। जब तक ये अपनी सियासत से अपनी गैर पार्लिमानी जबान को और गैर जिम्मेदाराना जबान को नहीं निकालेंगे, इनका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है पाकिस्तान में। ये जो 46 इंक्लूडिंग 5 ऑफिसर अफगान आर्मी के आए हैं पाकिस्तान में, उनको बाइज्जत तौर पर हम वापस